हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज रितु, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है, हम जिस लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं, वो लोकेलिटी बेसिकली मेनली हिंदी स्पीकिंग है। लेकिन जब हम किसी प्रोफेशनल कोर्स की बात करें, किसी जॉब की बात करें, इंटरव्यूज की बात करें, ठीक है, वहां पे हमेशा हमें इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ आपकी इंग्लिश क्लासेस। हम इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से लर्न करना स्टार्ट करेंगे और डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, जो भी चीजें यूज हो रही हैं, कैसे हमें बोलना है, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसे हो, आपकी स्पीकिंग कैसे हो, ठीक है, आप अपने आप को इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकें, ये सारी चीजें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बस थोड़ी बहुत रूल्स बताऊंगी। मैं आपको कहीं ये नहीं बताने जा रही हूँ कि इसमें आपको टेंसेस का इस्तेमाल करना है, इसमें आपको ये इस्तेमाल करना है, वो करना है, ये याद करो, वो याद करो, नथिंग। जस्ट कुछ रूल्स जो आपको याद रखने हैं एंड स्टार्ट स्पीकिंग। डजंट मैटर यू आर स्पीकिंग राइट और रॉन्ग, बट मैटर इज यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। देखिए, जब हम गाड़ी चलाने की बात करते हैं तो वो गाड़ी चलाने से आती है। जब हम खाना बनाने की बात करते हैं तो वो खाना पकाने से आता है। हम रेगुलर जब उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमें काम आ जाएंगे। लेकिन जब हम स्पीकिंग की बात करते हैं, द स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। एक चीज और याद रखिएगा बेटा, इस कोर्स के ड्यूरेशन में जब भी मैं वर्ड बोलूंगी रिपीट, तो आपको मेरे साथ वो सेंटेंस रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, रिपीट। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, रिपीट। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर दैट आई एम लिसनिंग टू यू आर नॉट, बट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। वंस अगेन, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। वंस अगेन, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि मैं आपके स्पोकन की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स हैं और जो आपको फॉलो करने ही करने हैं, जिसकी वजह से आप गुड स्पीकर बन सको। द फाइव रूल्स टू बी अ गुड स्पीकर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, लिसन टू मी, अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। जो अच्छे से सुन सकता है वो अच्छा स्पीकर बन भी सकता है। ठीक है, सो बी अ गुड लिसनर, बी विद मी, रिपीट विद मी एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। फर्स्ट, डोंट बी अफ्रेड ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। इंग्लिश कोई हवा नहीं है, भूत नहीं है, से आपको डरने की जरूरत पड़े। ठीक है, बस डरिए नहीं। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, गलत बोलिए बट बोलिए। स्टार्ट स्पीकिंग, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। क्लियर। लिसन टू द कन्वर्सेशन केयरफुली। जो भी आपस में बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उन कन्वर्सेशन को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से, बहुत अच्छे से सुनना है। बिकॉज अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। इफ यू कैन लिसन वेरी केयरफुली सो दैट यू कैन अडेप्ट द वर्ड्स द वे दे आर स्पीकिंग एंड फ्रॉम वेयर यू विल फाइंड दिस कन्वर्सेशन ऑन न्यूज चैनल्स, ऑन पॉडकास्ट। ठीक है, इंग्लिश पॉडकास्ट सुनिए, न्यूज चैनल्स देखिए, स्टार्ट एंड इफ यू आर रीडिंग एनीथिंग, रीड इट लाउडली, बिकॉज आपकी जो टंग है वो इस तरीके से ट्रेंड की गई है कि आप हिंदी लैंग्वेज को या आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसके लिए कंफर्टेबल है, बट आपको अपनी टंग को ट्रेन करना पड़ेगा। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा बेटा कि जितने भी इंस्टीट्यूट है वहां पे ट्रेनर्स होते हैं, इंग्लिश ट्रेनर्स होते हैं, क्योंकि वो आपको ट्रेन करते हैं। आप ये काम खुद भी कर सकते हो विद मी। ओके, बिकॉज अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर, सो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। थिंक इन इंग्लिश, वट एवर यू आर थिंकिंग, जो भी आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मेकिंग टी, थिंक इन इंग्लिश, डू इन इंग्लिश। नाउ वट टू डू, ओ Now, I have to add some amount of water, some amount of tea leaves, ginger paste and anything. Whatever you are doing, whatever you are thinking, think in English. If you can think in English any situation, then you can also speak.
बिकॉज आपने देखा होगा हम आगे जाके स्टोरी टेलिंग करेंगे, कुछ सिचुएशंस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? तो वहां पे ये चीजें होंगी, बट उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट थिंकिंग इंग्लिश। आप इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे, आपके ब्रेन में इंग्लिश चलाना शुरू करेंगे, हर एक चीज को इंग्लिश में बात करना शुरू करेंगे, देन डेफिनेटली यू कैन लर्न इंग्लिश, यू कैन ट्रेन योर सेल्फ वेरी वेल। टॉक टू योर सेल्फ, खुद से बात करो, खुद के लिए बात करो, डू इट फॉर योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ। इसलिए हमें अपने आप को ट्रेन करना है। देखिए, आप जानते हैं कि आज की जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है वो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल इज स्पीकिंग। हाउ यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ, इफ यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल लैंग्वेज, देन डेफिनेटली यू कैन गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी सो दैट यू कैन अर्न मोर एंड मोर। फॉर दिस यू हैव टू लर्न इंग्लिश वेरी वेल। सो टॉक टू योर सेल्फ वट एवर टाइम यू आर हैविंग, एनी फ्री टाइम, एनी वेयर, इन ट्रेन, बस, एवरीवेयर, टॉक टू योर सेल्फ, ठीक है? खुद से बात कीजिए, बट इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट इन इंग्लिश लैंग्वेज। यूज टंग ट्विस्टर्स, एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट अवर टंग इज ट्रेन्ड फॉर लोकल लैंग्वेज। डजंट मैटर यू आर फ्रॉम केरला, डजंट मैटर यू आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, फ्रॉम बिहार, फ्रॉम हरियाणा, फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम महाराष्ट्र, डजंट मैटर, आप सबकी जो टंग है किस तरीके से ट्रेन की गई है, आपकी मदर टंग में ट्रेन की गई है। बट इफ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश देन यूज टंग ट्विस्टर्स इन इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, आइसक्रीम, यू स्क्रीम, यू ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। देर आर लॉट ऑफ टंग ट्विस्टर ऑन द गूगल, यू कैन सर्च देम वेरी इजिली, यू कैन यूज देम वेरी इजिली। इफ यू विल ट्राई टू स्पीक टंग ट्विस्टर एज मच टाइम एज पॉसिबल, नंबर ऑफ टाइम यू शुड ट्राई, एंड वेन एवर यू विल ट्राई देम, you will be able to speak in English language very easily, and you will be fluent also because your tongue is not trained so far. Okay? Yes. Focus on pronunciation. आपका pronunciation अच्छा होना चाहिए words का। ऐसा नहीं है कि हाँ आपकी local language है, doesn't matter, थोड़ा उसका touch आ सकता है, लेकिन अगर आप किसी word को गलत pronounce कर रहे हैं, that is not good, ठीक है? वो अच्छा नहीं है। So focus on your pronunciation. If you will focus on pronunciation, definitely you are going to come out with flying letters. Okay? Build strong foundation. You should build strong foundation. Means you should be master on rules and regulation. Where, what rules you should use there? What rules you should focus on this situation or any type of situation. Okay? Doesn't matter it is a storing. Doesn't matter it is any situation. Doesn't matter anything it is. Just focus what type of रूल्स यू आर गोइंग टू यूज, मास्टर इन वोकैब। देखिए, बोलेंगे क्या बोलेंगे, वर्ड्स नहीं आते, कई बार ऐसा हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। सो देयरफॉर यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी वेल मास्टर इन वोकैब। डे टू डे लाइफ में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, मैं उसकी सीरीज भी लेके आऊंगी, ठीक है? तो डोंट वरी, वी विल डू इन वेरी सिस्टमैटिक वे, ठीक है? हम सिस्टमैटिक तरीके से इन सारी चीजों को भी कवर करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पीक एज मच एज पॉसिबल। गलत बोल रहे हैं कोई बात नहीं, हम हिंदी कौन सा सही बोलते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, आप अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हो, क्या वो परफेक्टली बहुत अच्छे तरीके से बात करते हो? नहीं। क्या आप हिंदी भी शुद्ध बोलते हो? नहीं। इसीलिए अगर आप इंग्लिश में थोड़ी बहुत अगर आपसे गलतियां हो भी रही हैं, डजंट मैटर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? स्पीक एज मच एज पॉसिबल, ठीक है? फॉलो ऑल रूल्स एंड स्पीक एज मच एज पॉसिबल, ठीक है? कीप प्रैक्टिसिंग, एंड बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड, वी विल लर्न मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, वी विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। वंस अगेन, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। वंस अगेन, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। Thanks for watching. Stay tuned. See you in next video. Bye-bye.